Hey guys, welcome back to our channel Delhi Into Insta. We hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, हम परिजात एपिसोड 1 पर रिएक्शन दे रहे हैं और काफी सही ड्रामा चल रहा है, मजा आ रहा है। एपिसोड 1 में इतना पूछा है तो guys, वेट ही नहीं हो रहा कुछ। तो आज हम मतलब जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था उसके आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क्या बात है भाई, आज तो बड़े बदले बदले नजर आ रहे हो। नहीं अभी ऐसी तो कोई बात नहीं, सब पता है। पैंट शर्ट में है भाई। मिर्जा साहब के घर जा रहे हो ना ट्यूशन पढ़ाने। अच्छे से। वैसे ठीक है, बंदा जरा तैयार शार होके जाए तो सामने वाले पे रोक पड़ता। मैं क्या, मेरी तैयारी क्या, मैं औकात जानता हूँ मैं अच्छी तरह। खुद को इतना अंडर एस्टिमेट। कैसी बातें कर रहा हूँ, मेरा भाई किसी से कम नहीं है। सिंपलिसिटी है ना साथ ही। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जा। बहुत अच्छी बात। अच्छा सुनो, जाते जाते मेरा ये काम कर दो, माजिद भाई को ये किताब वापस कर दो, आसिया ने उनसे लेकर मुझे दी थी, कितने दिनों से मेरे पास पड़ी है, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। कौन माजिद भाई? अरे मेरी सहेली आसिया के बड़े भाई, पहले तो सारा दिन उनके बड़े गुण गाते थे तुम। अच्छा मस्जिद, वो जो मस्जिद में बैठ के पता नहीं कौन कौन से वजीफे पढ़ता है और ना जाने खुदा से किसको मांगता है। परी मैं ना कान खींचूंगी तुम्हारे, इज्जत क्या करो उनकी, सारे मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे बोर्ड में पोजीशन होल्डर है वो। अच्छा नहीं फिर तो बनता है इज्जत करना माजिद, मेरा मतलब है माजिद भाई की। अब तुम्हें देर नहीं हो रही, जाना नहीं है, जाओ। और सुनो मेरी याद आ कर देना माजिद भाई का। छेड़ रहा है। पसंद करती होगी। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम सईदा, कैसी हो तुम? परिजाद है घर पे? नहीं वो तो ट्यूशन पढ़ाने गया है, आप अंदर आए ना, बाकी लोग हैं। नहीं मैंने तुमसे जरूरी बात करनी थी मगर। जी बोले, मैं सुन रही हूँ। खैर छोड़ो, किसी दिन तफसील से बात करेंगे। मगर परीजात को ना जरा समझा दो, वो इन गली के आवारा लड़कों के साथ घुमा ना करे, खुद तो वो किसी काम के नहीं है और परीजात को भी बदनाम करेगी। जी मैं समझ गई, समझा दूंगी उसे। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पसंद करती होगी ये। ये शॉट लगता है मेरे को, मतलब यार इसके सामने है भाई, इसके नहीं, साथ ऐसी पता है, रट्टा लगाने से बात नहीं बनेगी। उर्दू को तो घूंट घूंट पीकर दिल में उतारना पड़ता है, जज्बात और एहसास को महसूस करके। ढीले ढाले कपड़े हैं, कभी याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। इसमें लिटरेचर का मजमून हमसे अलग बर्ताव चाहता है। जैसे कपड़े हैं बंदा वैसे ही पहन के आएगा, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही पढ़ूंगी। बाबा तो अभी तक जो कुछ आपने सिखाया ना सब याद आ गया मुझे। जेरे नसीब का मेरा मतलब है, ये आपकी जहानत है। अस्सलाम वालेकुम। जी तेरा बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी जा रही है? खड़ो या बंदा, हमारी स्टूडेंट्स कुछ पढ़ भी रही है या नहीं, कुछ सीखा इसने? जी माशाल्लाह बहुत जल्दी पिक कर रही है। माशाल्लाह, चलो बैठ जा बेटा, बैठ जा, शाबाश। चलें जी, ट्यूशन का वक्त तमाम हुआ चाहता है, अब हम सब बैठेंगे और ठंडी ठंडी शरबत पीकर अपने दिमाग को ठंडा करेंगे। ये ले। शुक्रिया। बाजी आपको दो। ये सही है यार, ये करेक्टर बढ़िया है। हाँ शौकी भाई कैसे हैं? फिट है। हारने वाला लड़का आपका बचा ले। शौकी भाई बड़ा चमक रहे हो, क्या सीन है? खैरियत है शौकी भाई? हाँ सब ठीक है, ठीक है। इधर आ गया एक आया। चल बेटा टाइम का हो रहा है शौकी भाई? टाइम तो वही कल वाला हो रहा है, 9 बज गए। 9 बज गए
पारी होगी तेरी। ये इसमें गया तू छह बेटा। अब ये देख देख, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, भारी करने दे भारी करने दे। बेटा चीटिंग तू करता है, मैं नहीं करता, समझा? ये चुप चाल है मेरी। ये बल्ला फूंड तो खल्ले यार, काम मर गया था। शौकी भाई, आपने पक्की खबर लाने को कहा था, पक्की खबर के लिए कुछ देर तो इंतजार बनता ही है। चल बक भी देगा खबर लाया। शौकी भाई, मिर्जा के घर पे तो बड़ा ही सख्त पैरा रह गया है, उसकी बेटियां भी सारा दिन घर पे ही रहती हैं। अगर बाहर जाएं तो माँ या बाप में से कोई ना कोई तो साथ लाजमी ही जाता है। आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है। वो का? बड़ी बेटी के इम्तिहान होने वाले हैं, वो रोज़ रात को 9 बजे के बाद छत पे जाती है पढ़ने के लिए। आपके पास मौका अच्छा है, वहीं सुना दो उसे अपने दिल का हाल। और अच्छी खबर तो ये है कि उनकी गली में आज शादी का एक फंक्शन है। सुनने में आया है कि मिर्ज़ा और उसकी बीवी भी वो तकरीब में जा रहे हैं। नाहिद और उसकी छोटी बहन अकेली होंगी घर पे। ये होता है खबर। ठीक है फिर लगा ले मोचा गली के नुक्कड़ पे, जैसे ही मिर्ज़ा और उसकी बीवी घर से निकले। खबर यही है, फौरन बताना है। ओके हो गया शौकी भाई। हो गया भाई। कमल जी, अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ छत पे पढ़ाई करने, तो गेट पे कोई आए ना तो मत खोलना, सही है? अब्बा ने कहा था जल्दी आ जाएंगे, मुझे कुछ चाहिए होगा मैं खुद बुला लूँगी। जी ठीक है बाजी। मैं जब तुझे सिग्नल दूंगा ना, तूने फिर जाना। ठीक हो गया? ये पूरी अपनी सेटिंग बता रहा है। चिल्ला दिया ना उसने। तुम ठीक तो हो? वो छत पे तुम पढ़ने गई थी तो क्या हुआ? मैं ऊपर पढ़ रही थी, वो छत कूद के कोई आ गया। कौन कौन था वो? कौन पता नहीं, बहुत अंधेरा था, वो मुंह छुपा के भाग गया। निकल बहन निकल 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 निकल। क्या हुआ शौकी भाई, सब खैर तो है? तेल लेने लगे देखते। अभी अब्बा को फोन करती हूँ, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। निकल 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 निकल। आवाज हो गई ना इसकी, वो एकदम से गिरा है। रोक 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 रोक, इधर रोक रोक ना। रोक बे बे यार, मर गया शौकी भाई। मेरा वो लव लेटर तो छत पे ही गिर गया यार। तो क्या फर्क पड़ता है, आपका कौन सा नाम लिखा हुआ था उस पे? चल से हुआ जो हुआ, सीधा जाके सल्लू होटल पे ब्रेक लगा दिया। तो वहां जाके ऐसे जाहिर करना है, शाम से उधर ही जमे बैठे हैं। शुक्र है तुम आ गए, मैं तो कब से परेशान हो रही थी। क्यों, क्या हुआ और ये इतना शोर क्यों मचा हुआ था? ठीक से तो कुछ पता नहीं, लेकिन हम साई बता रही थी कि मिर्जा साहब के घर पे कोई चोर डाकू कूद गया था, शोर मचा तो भाग गया। वो सब खैरियत है ना उनकी तरफ? हाँ हाँ सब खैरियत है, मिर्जा साहब और सकीना खाला तो किसी शादी में गए थे, दोनों लड़कियां घर पे थीं। जिसने भी ये प्लान बनाया ना, बड़ा सोच समझ के बनाया। मैं आता हूँ जी। तुम कहाँ जा रहे हो? पहले खौफ के मारे मेरा बुरा हाल है, दोनों भाई और भाभियाँ तो घोड़े बेच के सो रही हैं। देखूँ तो सही माजरा क्या है? कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ अंदर चलो। ये केयर करती है बेचारी, ये चिंता करती है। छत का दरवाजा कैसा है? बिल्कुल ऐसी चीज दिखाई है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल जैसे होती है। अब डरो ना, हम आ गए हैं ना वापस। वैसे तुम्हारा ये रात को छत पे जाकर एक घंटों बैठना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था। बस अल्लाह ने रहम किया तुम्हारे ऊपर, बस करो बेटा।
दिख रहा है, आया कहाँ से वो? लेटर लग गया हाथ में, ये पढ़ लेगा। सुना नहीं कमल, तुमसे कह रहा हूं कि जाके उसकी वो नोटबुक लेकर आओ जिसमें नोट्स लिखती है वो। आखिर हुआ क्या है, बताते क्यों नहीं? बताता हूं मैं, वैसे उस कमजोर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा शक दुरुस्त है, लिखाई को पहचानती है और इस लिखाई को ये तो परिसाद की लिखाई है, ये गली उसने नोट्स लिखे। पकड़ लिया, फंस गया बेचारा वो, उसकी तो कोई गलती भी नहीं है इंसान, वो फंस गया। कल ही मैंने इसे दरखास्त लिखवाई थी बल्दिया के इंस्पेक्टर के नाम, नए नलके के लिए। इस लिखाई को तो बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं मैं। यार जरा फंस गया बेचारा, शोके की वजह से वो फंस गया। तो गाइस यहां तो सीन ही उल्टा हो गया, यहां पे तो सीन ही पलट गया बिल्कुल। शोके की वजह से परिजात को ही पकड़ लिया, परिजात ने लिखा था लेटर, लिखा था ना, और वो फंस गया यार बेचारा। कोई गलती भी नहीं यार बेचारे की उसकी, तो उसकी भी गलती नहीं है, पता नहीं आगे क्या होगा। क्या होगा वो तो यार देखने के बाद ही पता चलेगा। गाइस वैसे तो मतलब काफी अच्छा सीरियल है, मतलब स्टोरी काफी यूनिक है और बढ़िया चल रहा है यार अभी तक तो। सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट एपिसोड हम खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड एपिसोड स्टार्ट करेंगे गाइस फरीजा का। तो गाइस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।